आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राज जी, श्री अविनाश चंद पांडे जी और राजेंद्र चौधरी जी द्वारा कही गई बात का मैं समर्थन करता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उचित समय पर इस गठबंधन का आप सबके सामने गठबंधन के स्वरूप को रखा है, जिसको पूरा देश बहुत दिनों से आस लगाए बैठे था कि अगर भारत के लोकतंत्र को बचाने में, भारत के संविधान को बचाने में, भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को मजबूत करने में हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके का वातावरण तैयार करेंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, माननीय खड़गे जी ने एक अच्छा देश के लिए उदाहरण पेश किया है, जो जनता चाहती है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और संविधान के स्वरूप को अगर कोई कमजोर करेगा तो हम भारत की महान जनता को लेकर उससे डटकर मुकाबला करेंगे। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का बहुत समय कम रह गया और ऐसे समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ये गठबंधन तय किया है और इस गठबंधन के माध्यम से देश में बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों की अर्थव्यवस्था की कमजोरी, गरीब लोगों को लगातार परेशान करना, जो ताकतें कर रही हैं उनसे हम सब मिलकर 2024 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेगी। अभी